नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी से रिलेटेड मैं दोस्तों डेली बेसिस पे इस कंपनी को ट्रैक करते रहता हूँ। हालांकि इस कंपनी से रिलेटेड आए दिन कुछ न कुछ न्यूज़ देखने को मिलते ही रहते हैं। ऐसे में सबसे बड़ी खबर मतलब देखा जाए तो अगर ये खबर सच हुई दोस्तों तो ये कंपनी 3000 नहीं, ये कंपनी आने वाले समय मतलब 5000 के लेवल को भी टच कर सकती है। खबर क्या है दोस्तों, उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। जो गुड न्यूज़ है दोस्तों उसको भी कवर करूँगा। देखा जाए तो इस कंपनी से रिलेटेड मतलब कि आप कह सकते हैं कि डेली बेसिस पे कुछ न कुछ न्यूज़ देखने को मिलते ही रहते हैं। हालांकि देखा जाए तो आज के दिन उस न्यूज़ का असर भी पड़ा है, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा, उसके ऊपर भी आएंगे दोस्तों। लेकिन हाँ, सबसे पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को देखेंगे तो आज के दिन दोस्तों इस कंपनी में 2% की तेजी देखने को मिली। वहीं पर अगर आप आज के दिन देखेंगे दोस्तों तो 2783 रुपये का कंपनी ने ऑल टाइम हाई लगाया, 52 हाई लगाया। यहाँ पर भी देखेंगे तो 2783 रुपये का ही कंपनी का हाई देखने को मिलेगा। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर न्यूज़ देखेंगे दोस्तों तो न्यूज़ आपको यहाँ पर इतना कुछ खास जो कि देखने को नहीं मिलेगा, मतलब जो कि देखा जैसे मतलब कि आप कह सकते हैं कि न्यू ऑर्डर्स से रिलेटेड ही कंपनी में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपने को न्यूज़ देखने को मिलते हैं। लेकिन हाँ, जो सबसे बड़ा न्यूज़ अपने को देखने को मिले, पहले हम उस न्यूज़ को कवर कर लेते हैं दोस्तों, जो कि देखा जाए तो इस कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा मतलब कि फायदे वाली चीज़ हो सकती है कंपनी के लिए दोस्तों। एज ए इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए भी ये कंपनी एक मतलब कि आप बोनस का किंग तो नहीं कह सकते, फिर भी जो कि देखा जाए मतलब रिटर्न का किंग कह सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे नाइजीरिया, फिलीपींस, अर्जेंटीना की बात कर जो कि इंटरेस्टेड है दोस्तों इस कंपनी के विमान को खरीदने के लिए, जेट के मतलब जो फाइटर जेट है दोस्तों उसको खरीदने के लिए। ये कौन से फाइटर जेट है दोस्तों तो आपको बताना चाहता है, जो हल्के लड़ाकू विमान है दोस्तों, मतलब जो दूर तक मार सकते हैं उनको छोड़ दीजिए, जो हल्के हैं उसको जो कि बाइंग करने की बात हो रही है। यहाँ पे अगर आप न्यूज़ देखेंगे दोस्तों, हालांकि सबसे पहले ये सारे न्यूज़ जो कि 97% की बात करें, मतलब कि आप कह सकते हैं 97 तेजस की बात करें, 156% की बात करें, ये सारे जो कि 1.4 लाख करोड़ का जो कि कंपनी को पहले ही ऑर्डर मिल चुका है। यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे जो कि सेवरल नेशन की बात करें तो नाइजीरिया, फिलीपींस, अर्जेंटीना एंड इजिप्ट से रिलेटेड जो कि एक्सपर्ट इंटरेस्टेड देखने को मिल रहे हैं। वहीं पे देखा जाए तो ये मतलब कि अभी इनसे रिलेटेड जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है दोस्तों, वो देखा जाए तो मतलब कि बातचीत चल रही है, ये हो सकता है कि बाइंग कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। ऐसा जो कि मतलब देखिए होने के बाद हो सकता है कि यूके के साथ कुछ अपना मतलब कि आप कह सकते हैं कि अर्जेंटीना और यूके से जो कि मतलब कि कुछ और टकरार भी हो सकती है दोस्तों, कुछ टेंशन बढ़ सकती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अर्जेंटीना टेंशन जो कि एम यू के सप्लाइड मतलब जो सच है ऐसा हार्डवेयर जो कि हो सकता है, तो मतलब कि भारत को भी परेशानी हो सकती है दोस्तों, तो इसका भी कुछ अल्टरनेटिव सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। जैसा कि आप यहाँ पे देखें दोस्तों तो वही न्यूज़ आपको देखने को मिल जाएगा। अर्जेंटीना, फिलीपींस की बात करें, नाइजीरिया की बात करें तो ये सारे इंटरेस्टेड देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो कि तेजस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की बात करें, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने जो कि बताया दोस्तों वेडनेसडे के दिन, यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों नाइजीरिया से रिलेटेड भी आपको देखने को मिल जाएगा। वो भी दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या देखने को मिल रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ जो कि मतलब एक इंक्ड एग्रीमेंट होते हुए दिख रहा है अर्जेंटीना एयरफोर्स के साथ, जो कि प्रोवाइड स्पेयर्स एंड सर्विस इट्स 210 से रिलेटेड जो कि क्लास हेलीकॉप्टर्स देखने को मिल रहे हैं। वहीं पर द डिफेंस की बात करें दोस्तों जो कि आप कह सकते हैं कुछ लास्ट ईयर में देखने को मिलेंगे, जो कि फिलीपींस के साथ भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो मतलब अभी जो बात हो रही है, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी बताना चाहते हैं कि हम उस न्यूज़ को मतलब जाएंगे, हो सकता है कवर भी करने की कोशिश करेंगे कि बात हो रही है दोस्तों जो कि देखा है तो 375 मिलियन के आसपास ये डील हो सकता है जनवरी फिलीपींस में जो कि कंक्लूडेड ऐसा निकल के आ रहा है। वहीं पर ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल से रिलेटेड जो कि देखा जाए तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि हालांकि अगर मैं HLA की बात करूं जो गवर्नमेंट्स है दोस्तों, अगर देखा जाए तो इस समय मतलब कि विदेशों में भी अपनी फ्रेंचाइजी डालने की बात कर रही है। इस पॉइंट को भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। जैसा कि अगर आप यहाँ पे भी देखें दोस्तों तो आपको जो कि मतलब कि डिस्कशन से रिलेटेड बात हो रही है नाइजीरिया, फिलीपींस के साथ, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वही न्यूज़ आपको देखने को मिलेगा। मैन्युफैक्चर टाइपिंग जो कि हो सकता है दोस्तों, मतलब देखिए लीगल रिक्वायरमेंट डेट नॉट मतलब डोट नॉट यू ब्रिटिश जो कि मेड ए कंपोनेंट एक्सपोर्ट मेड अब जस्ट 1% रेवेन्यू ऑफ द फाइटर जेट से जो कि मतलब आता है दोस्तों। यहाँ पे अगर लार्ज ऑर्डर की बात करें तो इंडियन डिफेंस से ही देखने को मिल रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो कि ओपनिंग ऑफिसेस इन, यहाँ पे जैसा कि हमने आपसे क्या बताया कि अभी विदेशों में बात हो रही है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओवरसीज मार्केट में भी बात हो रही है। इंगेजिंग विद द नाइजीरियंस की बात करें या तो आर्मीज एविएशन की बात करें तो मतलब एक बूस्ट भी मिलते हुए दिख सकता है एक्सपोर्ट में। वहीं पर अगर मैं मोदी की बात करूँ दोस्तों तो अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं मोदी वॉन्ट टू मेक इन इंडिया ए मेजर डिफेंस मैन्युफैक्चरर की बात करें विथ एम जो कि देखा टू हिट
5 मिलियन इन एनुअल एक्सपोर्ट फिजिकल ईयर 25 तक इनकी बात हो रही है, जैसा कि आप यहाँ पे मार्च 25 तक की बात देख सकते हैं। तो आज के दिन स्टॉक में 2% की तेजी देखने को मिली, जैसा कि आप अगर यहाँ पे देखें तो 8 दिसंबर को कंपनी ने हाई लगाया। अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो कंपनी में लगभग 2.5 मिलियन के आसपास टोटल शेयर ट्रेड हुई, जिसमें 30% माल डिलीवरी उठाया गया। देखिए दोस्तों, नो डाउट इसमें कि मतलब एक अच्छा खासा माल डिसेंट उठाया जाए, तो कोई ऐसे पैनिक वाली बात नहीं दोस्तों। आप अगर लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हैं दोस्तों, तो माल कितना उठाया जा रहा है, क्या हो रहा है, उसके ऊपर अपना फोकस नहीं होना चाहिए। करंट गवर्नमेंट की बात करें या करंट कंपनी की बात करें जिसमें आप निवेश करें दोस्तों, उस कंपनी का पोजीशन क्या है, फ्यूचर क्या है दोस्तों, उसके ऊपर अपना फोकस हो। इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं, देखिए जीरो टेस्टर इस कंपनी को बाइंग करना चाहते हैं आप किसी भी प्राइस पे, इस कंपनी को अगर लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर है दोस्तों तो बाइंग करेंगे तो आपका पैसा बनने ही वाला है। क्योंकि दोस्तों अभी तक देखा जाए तो कंपनी ने एक अच्छा खासा मतलब रिटर्न भी बना के दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 400% के आसपास अभी तक रिटर्न भी देखने को मिल रहा है। वही पे ये नहीं दोस्तों, अगर मैं इसको लोअर लेवल से कैलकुलेट करूंगा तो आप कह सकते हैं कि लगभग 1000% का कंपनी ने रिटर्न बना के दे दिया, जिन्होंने भी इस कंपनी मतलब कि आप कह सकते हैं कि 200-250 जो कि एडजस्टेड प्राइस है दोस्तों, सीधा आप इसको 500 से डबल कर सकते हैं, मतलब जो कि देखा है तो एडजस्टेड प्राइस मतलब 500-550 के आसपास आपका प्राइस निकल के आ जाएगा। जिन्होंने भी निवेश किया होता दोस्तों ऑलमोस्ट 1000% का रिटर्न देखने को मिल जाता। हाँ, ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों देखिए, जो हमने न्यूज को पढ़ा कि अभी बातचीत चल रही है, अगर एक कंट्रीज ने भी दोस्तों जरा से भी इंटरेस्ट दिखाया तो हो सकता है कि इस स्टॉक में और भी रॉकेट बनते हुए दिख सकता है। जैसा कि 7% दोस्तों कंपनी में तेजी देखने को मिली, तो हो सकता है 10% की भी तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि स्टॉक में अगर गिरावट होती है दोस्तों तो ये कंपनी हो सकता है कि वही 2500 के लेवल को टच कर सकती है। वहीं पर अगर मैं तेजी की बात करूँ दोस्तों, तो हो सकता है कि कंपनी आने वाले समय में 3000 के लेवल को तोड़ती है, तो 5000 तक भी जा सकती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों मैं आपसे और भी बताना चाहता हूं, देखिए अपने भारत की जो डिफेंस सेक्टर की कंपनी है दोस्तों, 3 ऐसी कंपनियां आपको देखने को मिलेगी जो कि वर्ल्ड में टॉप 10 में रहती है, मतलब टॉप 10 कंपनियों में दोस्तों, जो डिफेंस सेक्टर की टॉप 10 कंपनियां है वर्ल्ड में, उनमें देखा है तो ये तीनों कंपनियां शामिल हो चुकी है। इनसे रिलेटेड मैं अभी आगे डिस्कस करूँगा, मतलब अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।